नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आजकल के लाइफस्टाइल में ज़्यादातर लोगों को पेट में गैस बनने की समस्या हो जाती है, जिसे लोग मामूली समझकर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार पेट में गैस बनने की वजह से भूख की कमी, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी और पेट फूलने जैसी परेशानी हो लगती है। पेट में गैस बनने के मुख्य वजह। नंबर एक, कई बार कब्ज की समस्या होने के कारण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल पाते हैं, जिसके कारण पेट में गैस बनने लगती है। नंबर दो, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में दूध और दूध से बनी चीज़ें खाने से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जिसे वजह से पेट में गैस बनने लगती है। नंबर तीन, कई बार पेट में अच्छे और खराब बैक्टीरिया के बीच संतुलन बिगड़ जाने के कारण भी पेट में गैस की समस्या हो जाती है। फिर कई बार असंतुलन की किसी बीमारी के साइड इफेक्ट की वजह से भी पेट में गैस बनती है। नंबर चार, कुछ लोगों को किसी अन्य बीमारी के दौरान एंटीबायोटिक दवाएं लेना पड़ता है, जिसके साइड इफेक्ट के कारण पेट में अच्छे से बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया प्रभावित होती है और पेट में गैस बनने की समस्या होने लगती है। नंबर पाँच, कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में हार्मोन चेंजेस आने लगते हैं, जिसके चलते भी पाचन क्रिया प्रभावित होने लगती है, पेट में गैस बनने की समस्या होने लगती है। नंबर छः, पेट में गैस बनने की समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आँख में सूजन हो जाती है, जो दर्द करने के साथ साथ कई बार अल्सर के रूप में ले लेती है और यह घातक सिद्ध हो सकती है।